एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, कूलेंट इसका ठीक था तो हमने इसको नहीं चेंज किया, बैटरी वाटर इसका पूरा था, स्क्रीन वॉशर हमने देखो अंदर से कितनी गंदी है। पेडल छोड़ एक बारी, ये देख लो कोने में आपको दिखती है गंदगी जमी हुई। टेस्ट ड्राइव पे आ गया गाड़ी की, एक बारी आवाज़ें चेक कर लेते हैं, सस्पेंशन में कोई आवाज़ तो नहीं है, बस हल्की सी कैलिपर पिन में आवाज़ है और इसके ना स्टेयरिंग में आवाज़ है, बाकी कोई आवाज़ नहीं है, ना शॉकर माउंट की आवाज़ है, ना कोई और आवाज़ है, हल्की सी कैलिपर पिन में आवाज़ है और इसके स्टेयरिंग में आवाज़ है, बाकी कोई आवाज़ नहीं है। अब अलाइनमेंट भी इसकी हम चेक कर लेते हैं एक बारी कि अलाइनमेंट ठीक है या नहीं, मैं चला के देख लेता हूँ एक बारी। मैंने स्टेयरिंग कर दिया सीधा, अब देखते हैं सीधी जा रही है नहीं, ये देख सकते हो आप सीधी जा रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है इसके, खाली सस्पेंशन में थोड़ी बहुत आवाज़ है। तो भाई हम टेस्ट ड्राइव लेके हम गाड़ी के आ गए हैं, तो अब इसके अंदर जो काम है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके एक तो सस्पेंशन बनवाई से वो हम कस्टमर से पूछ लेंगे, कस्टमर को सस्पेंशन का काम करवाना होगा तो करवा लेंगे, वरना इसकी पूरी सर्विस होनी है। और RPM इसका हल्का सा फ्लक्चुएट कर रहा है, वो भी हम चेक करेंगे, प्लग वगैरह क्लीन करेंगे, जो जो सामान इसके अंदर डलेगा उसकी पूरी MRP भी मैं आपको बताऊंगा, वो सामान कितने का और क्या क्या सामान डल रहा है, तो पूरा देखना है इस वीडियो को। अगर आप भी आपके पास भी सियाज गाड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगी। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। तो भाइयों पहले सबसे पहले हम इसका एयर फिल्टर चेंज कर रहे हैं, ये पड़ा आपका इसका ख़राब एयर फिल्टर, पूरा चोक हो चुका है, ये देख लिया सबको, नया एयर फिल्टर एक बार दिखा दो भाई, देख लो नया एयर फिल्टर, मारुति सुजुकी का जन्म है ये। इसका हम AC फिल्टर भी चेंज करेंगे, कैबिन फिल्टर भी कहते हैं AC फिल्टर को, ये भी काफ़ी ज़्यादा चोक हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, इसको भी हम चेंज करेंगे। भाइयों ये AC फिल्टर हम इसका लगा रहे हैं इसके अंदर, ये इसकी लोकेशन होती है AC फिल्टर की, देख सकते हो आप अंदर लगता है ये गाड़ी की। AC फिल्टर हमने नया फिट कर दिया मारुति सुजुकी का जेन्युइन वो भी, और बाकी जो जो काम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो बढ़िया से काम करेंगे हम। इसका बैटरी का पानी चेक करेंगे पहले, बैटरी का पानी पूरा है आप देख सकते हैं, एक बार दिखाना रखा था, पानी पूरा है बैटरी में, तो बैटरी के पानी में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसलिए साइड के भी चेक कर लो। अब इसका हम कूलेंट चेक करेंगे, कूलेंट ठीक है, कूलेंट की क्वालिटी भी ठीक है, चेंज करने लायक नहीं है, अगली सर्विस में हम इसको चेंज करेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा पानी कम है इसके अंदर, पानी डाल के इसको पूरा कर देंगे, कूलेंट की क्वालिटी ठीक है, कूलेंट अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कूलेंट चेक करने के बाद हम इसके अंदर अब स्क्रीन वॉशर डालेंगे इसकी बोतल के अंदर, स्क्रीन वॉशर काफ़ी सही रहता है, इससे शीशे पे स्क्रैच नहीं आते अगर ये स्क्रीन वॉशर आपकी बोतल में डला हुआ है वाइपर की। ये भी हम मारुति सुजुकी का जेन्युइन डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन है, इसकी MRP है 17 रुपीज़, एक हमने डाल दिया और एक गाड़ी के अंदर रख देंगे ताकि अगर ये खत्म हो जाए तो कस्टमर दोबारा डाल सके। अब इसका ऑयल खोलेंगे और ऑयल को अच्छे से ड्रेन होने देंगे और ऑयल फिल्टर भी चेंज करेंगे इसका, देख सकते हो आप ऑयल फिल्टर की MRP 95 रुपीज़ है, और ऑयल फिल्टर भी हम चेंज कर रहे हैं इसका, ऑयल फिल्टर हर सर्विस पे चेंज होता है। ऑयल का नट लगाने के बाद हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं 5W40 ग्रेड टोटल का, टोटल का काफ़ी अच्छा तेल है ये, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम तेल है। इसकी जो MRP है वो मैं MRP आपको दिखाता हूँ कितनी MRP है इसकी, 4023 रुपये MRP है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ऑयल है टोटल का, और हम इसके अंदर ये ऑयल डाल रहे हैं, ये ऑयल डाल के आपको फ़र्क भी पता चलेगा अगर आप ये ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाओगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा तेल है ये, तो डालो भाई इसके अंदर, देख सकते हैं आप सील पैक है ये ऑयल, तो भाई डालो इसके अंदर, ऑयल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा ऑयल है ये, फुली सिंथेटिक ऑयल है टोटल का 5W40 9000 नंबर, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ऑयल है ये टोटल का, टोटल के ऑयल सारे बढ़िया ऑयल हैं, तो टोटल की ऑयल आप अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसकी सारी लाइटें चेक करेंगे, जलाओ लाइटें, डिपर मारो, डिपर मारो, डिपर ठीक है, फोग लैम्प इधर वाला एक फ्यूज़ है भाई, वायरिंग इसके चेक कर रहे हैं या फोग लैम्प का बल्ब खराब है चेक कर लेना एक बार, अब पीछे से चेक करते हैं हम एक बार, मारो ब्रेक, लाओ ब्रेक, ठीक है पीछे के इसके बल्ब ठीक है, एक सेकेंड पार्किंग चलाओ, ठीक है सारे बल्ब ठीक है, इसके पास एक फोग लैम्प का बल्ब फ्यूज है इसका, वो हम डाल देंगे इसके अंदर, ये बल्ब इसका खराब था फोग लैम्प का, देख सकते हो हमने इसके अंदर नए बल्ब डाल दिए और लाइट चालू कर दिया फोग लैम्प की। जैसा कि भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका RPM थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं एक बार थोड़ा बड़ी दिखाता हूँ इसकी आपको, देखो अंदर से कितनी गंदी है, पेडल छोड़ एक बारी, ये देख लो ये कोने में आपको दिखती है गंदगी जमी हुई, तो इसको हम क्लीन करेंगे, जो RPM फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, तो करो भाई इसको क्लीन।
थोटर बॉडी देख लो भाई, उसकी अच्छे से क्लीन कर दी हमने, ये देख सकते हो आप, ये देख लो पूरी क्लीन कर दी अंदर से। अब इसके हम चारों प्लग क्लीन करके लगाएंगे। पहले प्लग खोलते हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं, अगर चेंज करने वाले है हम प्लग चेंज करेंगे, अगर साफ करके लगने वाले है, अभी कंडीशन ठीक हुई तो हम उनको खाली साफ करके लगा देंगे। तो ये चारों प्लग इसके खुल रहे हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको प्लग की कंडीशन एक बार। चारों प्लग हमने खोल लिए हैं, ये प्लग देख सकते हो कंडीशन ठीक है, हल्का फुल्का हल्का सा छोटा है ये प्लग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्लग सारे सही हैं। इनको हम साफ करके लगाएंगे, अगली बार इसको चेंज करेंगे, अभी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जो चीज़ चेंज होने वाली नहीं है हम उसको क्यों बेफालतू में चेंज करते हैं, इसको हम साफ करके लगा देंगे। अभी मोटर बॉडी और प्लग क्लीन करने के बाद हम इसके चारों टायर रोटेट करेंगे ताकि टायर की लाइफ बढ़े, और आगे की डिस्पैच चेक करेंगे, अगर ख़त्म है तो हम उसको चेंज करेंगे, और ब्रेक शू भी चेक करेंगे, अगर वो भी ख़त्म है तो उनको चेंज करेंगे, और ड्रम वगैरह क्लीन करके लगाएंगे अच्छे से ताकि ब्रेक शू की लाइफ बढ़े। तो अभी चारों टायर हम खोल रहे हैं और इनको क्रॉस करते हैं। ड्रम हमने खोल लिए हैं, ब्रेक शू की कंडीशन तो ठीक है, अभी चल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा माल है इसके अंदर, लेदर काफ़ी है, तो अब इसको हम क्लीन करके लगाएंगे और ड्रम को भी क्लीन करके अच्छे से लगाएंगे। इसके आगे का टायर भी हमने खोल लिया है, तो इसके डिस्पैच ख़त्म है, देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो गए हैं, तो ये चेंज होने वाले हैं। डिस्पैट हमें चेंज करने पड़ेंगे इसके, देख लो, और कैलिपर पिन भी हम चेंज करेंगे इसके, क्योंकि कैलिपर पिन कट चुकी है और ये आवाज़ कर रही है काफ़ी ज़्यादा। तो डिस्पैट हमें इसके अंदर अब नए डालने पड़ेंगे क्योंकि ये ख़त्म हो चुके हैं और हार्ड भी है काफ़ी। इसके डिस्पैट भी हम चेंज कर रहे हैं, मारुति सुजुकी के जेन्युइन डिस्पैट डाल रहे हैं हम, भाई डिस्पैट दिखा दें, ये इसकी जेन्युइन डिस्पैट डिस्पैट हमने इसके चेंज कर दिए। वॉशिंग वगैरह भी हो गई है गाड़ी की, बस अब ग्रीसिंग रहेगी गाड़ी में, तो सारे डोर में ग्रीस लगा देंगे हम और बैटरी पे ग्रीस लगा देंगे, सारे डोर पे और सारे हिंज पे लगाओ भाई ग्रीस। तो भाइयों इसकी सर्विस का काम इसका सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है और किस किस चीज़ के कितने कितने पैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, कूलेंट इसका ठीक था तो हमने इसको नहीं चेंज किया, बैटरी वाटर इसका पूरा था, स्क्रीन वॉशर हमने इसके अंदर मारुति सुजुकी का जेन्युइन डाला है, इंजन ऑयल इसके अंदर हमने चेंज किया है, वाइपर ब्लेड ठीक है, वाइपर ब्लेड हमने नहीं डाले, डिस्पैट आगे के ख़त्म थे वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, तो डिस्पैट हमने इसके चेंज करे हैं, वो भी मारुति सुजुकी के जेन्युइन डाले मैंने, और पीछे के ब्रेक शू हमने क्लीन किए हैं, ड्रम क्लीन करें, गाड़ी की वॉशिंग करवाई है। पूरे काम में जो भी खर्चा आया वो आपको पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, और कितने पैसे टोटल लगे वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको भी अपनी गाड़ी को कोई भी काम करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पास आ सकते हैं अपनी गाड़ी का काम करवाने, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर कोई भी काम हो आप हमारे पास आ सकते हैं। डेंटिंग पेंटिंग का भी काम आपको अगर अपनी गाड़ी का करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।